यूपी पुलिस का एक और अजब गजब कारनामा। पिता के बचाव में उतरा मासूम बेटा तो पुलिस ने दर्ज कर ली FIR। 6 साल के मासूम पर दर्ज कर ली गई संगीन धाराओं में मुकदमा। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा अजब गजब कारनामा सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस ही कर सकती है। दरअसल मामला शामली जनपद का है, जहाँ 6 साल के मासूम पर पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मासूम बच्चे का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने पिताजी के साथ उस वक्त मौजूद था जब जैद के पिता के साथ कुछ दबंग मारपीट कर रहे थे। जैद का कसूर बस इतना है कि वो अपने पिता को दबंगों से बचाने के लिए इधर उधर भाग कर लोगों से मदद मांग रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की CCTV फुटेज भी सामने आई है। मेरे पति के साथ मारपिटाई की गई, जिन्होंने मारपिटाई की वे गुंडे लोग थे और उनके साथ 6 साल का बेटा है, इसके नाम मुकदमा किया गया। ये देख लो, 6 साल का बेटा उनका वो किसी का गला दबा सके, इसके सिर लगाया गया, इसने उनका गला दबाया। अब क्या मांग है आपकी? अब मेरी ये मांग है कि मुझे ऐसा खतरा है, गुंडे से गुंडे हो गए हैं, अब मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे जान मार। पूरा मामला थाना भवन क्षेत्र के थाना भवन कस्बे का है। ये घटना उस वक्त की है जब इफ्तिखार अपने 6 साल के बेटे जैद के साथ दूध लेने के लिए एक डेयरी पर आया था। इस दौरान इसरार, राशिद, गुड्डू और अब्दुल नाम के बदमाशों ने इफ्तिखार के साथ मारपीट करी, जिसका एक CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 6 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम जैद है, वो अपने पिता के साथ हो रहे लड़ाई झगड़े में दिखाई दे रहा है। जैद इधर उधर भाग रहा है और लोगों को इकट्ठा कर अपने पिताजी को बचाने की गुहार लगा रहा है। ये पूरी घटना किसी पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस ने एक अजब कारनामा करते हुए इफ्तिखार के 6 साल के बेटे जैद पर भी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की कार्यशैली पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17/7/2023 में मेरी साथ कुछ दबंगों ने मार पिटाई की है, जिसका CCTV वायरल हुआ, इसकी फुटेज, इसकी वीडियो वायरल हो गई थी। उसके बाद कप्तान साहब के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो लोग हमला करने वाले थे वो थाना गढ़ी गुप्ता के हिस्टीसीजर हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरे और मेरा 6 वर्ष का बच्चा उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। जब इसे हम लोग परेशान हैं और मेरे काफ़ी चोट लगी हुई है, मुझे थाना भवन से शामले रेफर किया गया, उसके बाद मुझे मेडिकल मेरठ के लिए रेफर किया गया, वहाँ पर मेरी आंख का इलाज चल रहा है, मेरी आंख से मुझे कम दिखाई दे रहा है, मेरी बीवी और बच्चे सभी परेशान हैं और सभी को अपनी जान माल का खतरा है गुंडों से। सरिष्ठा ठाकुर का मामला ये है कि 1 साल पहले सरिष्ठा ठाकुर ने किसी मामले में कोई मामला सुलझाने के लिए मुझसे 2 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसको मैंने पूरा नहीं किया, उसके बाद से ही वो मुझसे रंजित रखती हैं। उसके बाद से कई बार मेरे पे लगातार फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं, जो आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद एक्सपोज कर दिए गए। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये मामला पैसों से जुड़ा है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में 6 साल के मासूम पर जो FIR दर्ज की है उस पर बोलने से इनकार कर रही है। दिनांक 19/7/2023 को रात्रि में एक धक्का मुक्की की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें जो है जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ, जिसमें एक पक्ष जो है वो राव इफ्तिखार हैं, जो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम इसरार है। संपूर्ण विवाद का कारण ये है कि इसरार का कहना है कि उसने करीब 1 माह पहले किसी व्यक्तिगत कारण से जो है 20,000 रुपये राव इफ्तिखार को उधार दिए थे, और वो पैसे वापस मांगने पर जो है विपक्षी द्वारा जो है गाली गलौज इत्यादि की गई, और इसी संबंध में जो दोनों पक्षों की मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई करें। दोनों जो मजरूम हैं उनका मेडिकल कराया जा चुका है, और जो साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 6 साल के मासूम पर FIR दर्ज करने का कारनामा पुलिस विभाग की फजीहत कर रहा है। वहीं पीड़ित परिवार अब न्याय न मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट।